बिहार चुनाव में खेती किसानी और अन्नदाता को भी बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि सूबे की सियासी जंग से पहले एक खास तबके को साधने के लिए बगैर जमीन के ही कोई नेता खुद को किसान करार दे रहा है, जबकि कई पॉलिटिशियंस करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं आम किसान की आय प्रति महीना 3558 रुपये है। नेताओं के चुनावी शपथ पत्रों से पता चलता है कि बिहार में तीन अमीर नेता अपने आप को अन्नदाता बता रहे हैं। पहले हैं जेडीयू के राजीव लोचन। मोकामा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले नेता की कुल संपत्ति 9,09,72,000 रुपए है और इस लिस्ट में दूसरे नेता हैं अजय कुमार सिन्हा। ये RLSP में हैं और अतरी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इनकी कुल संपत्ति 6,75,35,000 रुपए बताई गई है। वहीं तीसरे अमीर किसान नेता हैं बीजेपी के रामाधार सिंह। ये औरंगाबाद से आते हैं और इनकी कुल संपत्ति 4,90,00,000 के आसपास है। शपथ पत्रों के आधार पर बताया गया है कि कुल 72 प्रत्याशियों ने अपना पेशा खेती बताया है, लेकिन इनमें से दो नेता ऐसे भी हैं जिनके पास खेती किसानी के लिए जमीन तक नहीं है। इनके नाम हैं RLSP के राकेश सिंह और BLRP के मोहम्मद तबरेज अंसारी। और तो और अचल संपत्ति भी इनके नाम नहीं है, इन्हें इन्होंने शून्य बताया है। वहीं अजय सिन्हा की प्रॉपर्टी सबसे अधिक है। शपथ पत्रों के जरिए यह तथ्य भी सामने आया है कि 42 कैंडिडेट्स के पास औसत 4.47 एकड़ जमीन है, जबकि संपत्ति 1.25 करोड़ रुपए है। ऐसे में यह विचारणीय है कि आखिर कैसे ये नेता असल में अन्नदाता का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्होंने खुद खेत पर काम नहीं किया, जिन्होंने कभी भी खेती किसानी से जुड़ा कोई भी मुद्दा समझने की कोशिश नहीं की, वे आखिर कैसे किसानों की भूमिका समझ पाएंगे। 2030 के भारत के सतत विकास के लक्ष्य में एक मुद्दा ये भी है, किसानों को मजबूत करना। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी अन्य दूसरी जानकारियों के लिए बने रहें TRIPLE.COM पर। धन्यवाद।